अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ, अभी तक आपने अपना एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, तो किस तरीके से एग्रीमेंट बनवाना है, कौन सा एग्रीमेंट जो है इस चेकिंग के दौरान वैलिड होगा, कौन सा एग्रीमेंट जो है इस चेकिंग के दौरान चलेगा। बहुत से लोगों ने यह अफवाह उड़ा रखी है कि एग्रीमेंट भी इस काम नहीं आ रहा, एग्रीमेंट को भी वो लेबर मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो नहीं मान रही हैं, वो एग्रीमेंट भी नहीं देख रही हैं, बस वो पकड़ दकड़ कर रही हैं और पकड़ के लेके जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो मैं इस हवाले से आपको बताता हूं तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। इससे पहले मैं आपको सलाला के शहर शिलम के बारे में बता दूं कि सलाला के शहर शिलम में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की टीमों ने तकरीबन 76 मकाम के ऊपर छापे मारे, जिनमें से 148 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका काम का माना कुछ और था और काम कोई दूसरा कर रहे थे, यानी कि लेबर कार्ड रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान के ऊपर उनका काम कोई और लिखा हुआ है और काम वो कोई और कर रहे थे। इसके अलावा 44 वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि अपने अरबाब से या अपनी कंपनी से भागे हुए थे। ये ऑफिशियल न्यूज दे रहा हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अनऑफिशियल न्यूज दी ही नहीं है। ये मैंने टाइम्स ऑफ ओमान से देखा है, आप भी टाइम्स ऑफ ओमान में जाकर ये न्यूज कंफर्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इधर की सुन के उधर की सुन के मैं ये न्यूज नहीं बनाता, जैसे कि दूसरे लोग आजकल वायरल होने के चक्कर में इधर की सुनकर उधर की सुनकर लोगों को डरा रहे हैं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। ऐसा मैं काम हरगिज नहीं करता जिससे आप लोगों को नुकसान पहुंचे। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस जितनी भी होंगी इन तमाम वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। इससे पहले कि आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहले से मौजूद हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें और कमेंट्स में अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली दफा आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करके हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो हासिल कर लें, ताकि आप हर लम्हा ओमान न्यूज से अपडेट रह सके, बाखबर रह सके। देखे जी, जो एग्रीमेंट लेटर आपने बनवाना है ये लाजम है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, यानी कि लेबर कोर्ट से। सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ कि लेबर कोर्ट से ये एग्रीमेंट लाजमन तस्दीक शुदा होना चाहिए। और बहुत से लोग जो आजाद वीजे के ऊपर आए हुए हैं, जिन्होंने एजेंटों से वीजा लिए हुए हैं, जिन्होंने अपने दोस्त से वीजा लिया हुआ है, जिन्होंने अपने रिश्तेदार अजीजों से वीजे लिए हुए हैं और उनको उनके मसूलियों ने उनके अरबाब से मिलवाया ही नहीं है, कभी उन्होंने अपने अरबाब की शक्ल नहीं देखी, कभी उन्होंने अपने अरबाब का नाम नहीं सुना, तो उनको बता दूं अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है, आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, पताका मौजूद है, तो आपने जल्दी से टाइपिंग वाली दुकान पे जाना है, यानी कि सनद के ऑफिस में जाना है, वहां पर जाकर अपना रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान उनको देना है और उनसे कहना है कि ये मेरा रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, मुझे मेरी कंपनी का मुकम्मल डिटेल्स निकाल के दे दें। वो आपको आपकी कंपनी की मुकम्मल डिटेल्स निकाल कर दे देंगे। वो उसकी नॉर्मल सी फीस होती है ये 2 ओमानी रियाल, यानी कि 2 ओमानी रियाल से लेकर 3 ओमानी रियाल, 3 ओमानी रियाल तक। तो वो आपको आपकी कंपनी की आपके शिरके की मुकम्मल डिटेल निकाल के दे देंगे, उसके ऊपर आपके अरबाब का एड्रेस, आपके अरबाब का टेलीफोन नंबर सब कुछ लिखा होगा। आप फौरन से अपने अरबाब से राबता करके आप अपने एग्रीमेंट के बारे में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट वो चलेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से तस्दीक शुदा होगा। यानी कि पहले क्या होता था कि हम नॉर्मल सा एग्रीमेंट कर लेते थे, ए पार्टी ने थर्ड पार्टी के साथ नॉर्मल सा एग्रीमेंट किया और बी पार्टी को थर्ड पार्टी के हवाले कर दिया, यानी कि ए पार्टी बी पार्टी के साथ रजामंद है और बी पार्टी थर्ड पार्टी के साथ रजामंद है और एग्रीमेंट हो गया और साइन सिग्नेचर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है, जो न्यूज में बताया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अनऑफिशियल न्यूज मैं नहीं देता। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज से ही बाखबर रखूंगा और आगाह रखूंगा। अपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का तस्दीक शुदा जो एग्रीमेंट है वो तैयार करवाना है। इंशाल्लाह आप किसी भी मसले में, किसी भी मुश्किल में इंशाल्लाह आप नहीं फंसेंगे जब आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तस्दीक शुदा एग्रीमेंट को लेकर आप थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे होंगे। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं छोटी सी इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो थी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार जरूर कर दें। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर आप पहली दफा आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।